अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माकी बावर्ची। आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ दिल पसंद की रेसिपी, इसको दिल खुश भी कहते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए, पहले तो राइज़ कर लेंगे ईस्ट को। एक कप नीम गरम पानी लिया है मैंने, और इसमें डाल रही हूँ 4 चम्मच भर के 4 टीस्पून पाउडर शुगर। जितनी ईस्ट लेंगे उससे डबल जो है शक्कर लेना है। मैं यहाँ पर 2 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। ईस्ट डाल दिया, बस इसको मिक्स करेंगे, 5 मिनट छोड़ देंगे ताकि अच्छे से राइज हो जाए। जब तक आटे गूंद लेने की तैयारी करते हैं। मैदा लेंगे 4 कप, वेट में आप देखेंगे तो 500 ग्राम है। 2 से 3 टीस्पून मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून नमक है, और 100 ग्राम ही इसमें जाएगा बटर। बटर भी डाल सकते हो आप, घी भी डाल सकते हो, बटर घी आपकी मर्ज़ी। घी और बटर डालने के बाद इसको बस हाथ से इस तरह से क्रम्बल कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद दो तरह के बनते हैं दिल पसंद और दिल खुश जो है। एक तो ये ब्रेड वाला इस तरह से, और पफ पेस्ट्री वाला भी बनता है, आउटर लेयर जो है कड़क होता है वो। देखिए 5 मिनट के बाद ईस्ट राइज हो चुका है, और इसका मैं आटा गूंदूंगी। अच्छे से सॉफ्ट सा आटा गूंदना है, और देखिए आटा इस तरह से, और थोड़ा सा पानी लग रहा है मुझे, 1.5 कप के करीब पानी लगा है, 1 कप वो। और ये सॉफ्ट सा आटा गूंदेंगे, 5 से 6 मिनट में ये आटा आपका तैयार हो जाएगा इस तरह से गूंद के। और देखिए इस तरह से आटा गूंद लिया, और थोड़ा सा ऊपर ऑयल या फिर बटर घी जो भी आपको लगाना है लगा दें, और 40 मिनट इसको रखते हैं राइज होने के लिए, साइज़ में डबल हो जाए। जब तक बनाते हैं इसकी फिलिंग। फिलिंग के लिए आपको चाहिए यहाँ पे केक का क्रम्बल जो है, बेकरी में अक्सर केक का ऊपरी, वनीला केक की ऊपरी हिस्सा जो है वो डाल देते हैं। मैंने केक को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, वो है 2 कप, और 1 कप है नारियल, और 1 कप है हरी वाली टूटी फ्रूटी, और 1 कप लाल वाली टूटी फ्रूटी, और 8 से 10 काजू ले लिए हैं, और इसको बस इस तरह से डाल देंगे। अगर आप इसमें और मीठा चाहते हैं तो थोड़ा सा शक्कर ऐड कर सकते हो, 2 से 3 चम्मच। वनीला एसेंस मैंने 1 टीस्पून डाल दिया। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, और ये हमारी दिल पसंद की फिलिंग जो है तैयार है। और 40 मिनट के बाद देख सकते हो आप साइज़ में डबल हो चुका है डो, और इसको बस 1 से 2 मिनट के लिए गूंदेंगे और इसके पेड़े बनाएंगे। इतने आटे में आपके बन जाएंगे कम से कम 5 दिल पसंद, अगर मीडियम साइज़ के बना रहे हैं तो 5 बनेंगे, छोटे बना रहे हैं तो 6 से 7 बन जाएंगे। एक पेड़ा मैंने उठाया और इस तरह से बेल लिया। बेलने के बाद फिलिंग जो है आपको अच्छे से भरनी है, इसमें कम से कम 4 से 5 चम्मच जो है टेबलस्पून इसमें डाल लेंगे, और साइडों से जैसे पराठे के लिए करते हैं सेम उसी तरह से कर लें। ऊपर में जो हिस्सा आएगा थोड़ा सा ज़्यादा आटा हो एक्सेस, वो निकाल लें और इस तरह से हाथ से फैला लें, या फिर बेलन की मदद से इसको कर दें। इस तरह से करने के बाद इसको एक ओवन प्रूफ टिन ले लें, ऑयल लगा दें नीचे ताकि निकलने में आसानी रहे। लगाने के बाद इसमें डाल देंगे, और कम से कम इसको प्रूविंग के लिए रखेंगे 10 से 15 मिनट ताकि साइज़ में डबल हो जाए। और इसको इस तरह से भी बनाते हैं पराठे की तरह, और एक जो है इस तरह से भी बनाते हैं। वही एक हिस्से में मैंने 2 और कर लिए हैं छोटे छोटे पेड़े, और इसको नॉर्मल रोटी की तरह बेलना है। थोड़ा सा मोटा रखेंगे इसको, ज़्यादा पतला नहीं, इतना साइज़ में बेल लिया। और देखिए 1/4 इंच के करीब इस मोटा मैंने रहने दिया, और फिलिंग जो है अच्छे से हाथ खोल के फिलिंग डालें, और साइडों से इस तरह से सील कर लें, जैसे गुजिया के लिए सील नहीं करते उसी तरह से सील कर दें। सील करने के बाद इसको भी रख देंगे प्रूविंग के लिए। इसको लगाना है आप मीठा दूध भी लगा सकते हो। देखिए इस तरह से करने के बाद
थोड़ा सा कट मार दें ताकि ये बेक होने के लिए आसानी रहे इसलिए। और इसको मैं लगा रही हूँ मीठा दूध, मैं पूरा इसमें अंडा वंडा कुछ नहीं डाल रही। अगर आप अंडा भी लगाना चाहते हो तो अंडा भी लगा सकते हो। मीठा दूध के लिए आपको चाहिए 1 कप दूध और 2 टीस्पून जो है शक्कर। इसको बेक कर लेंगे 180 डिग्रीज पे 20 मिनट के लिए, 20 से 25 मिनट बेक कर लेंगे। बेक करने के बाद जब निकल जाए ओवन से तो बटर लगाएं या फिर घी लगाएं, थोड़ा सा ब्रश कर लें और गीला कपड़ा या फिर कॉटन के कपड़े से इसको ढक के रखें ताकि अंदर से सॉफ्ट हो जाए। देखिए इस तरह से एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा ये। और मैं इसको आपको काट के बताऊंगी कि अब केक कैसा है अंदर से फिलिंग। इसको आप बगैर ओवन के भी बनाना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको उसकी रेसिपी भी चाहिए। तो देखिए कट करने के बाद एकदम स्पॉन्जी, एकदम फ्रेश, दिल पसंद, दिल खुश जो भी है। इसको बना के ज़रूर खाएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो वही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, इंस्टा पे फॉलो और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए दूसरा वाला भी मैंने कट कर लिया है। ये हमारा बनकर तैयार है दिल पसंद, और इसको बना के ज़रूर खाएं। इसी तरह से अच्छी और दिल पसंद रेसिपीज़ के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।